हेलो फ्रेंड्स, आपकी मेंस की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए रमन एकेडमी शिमला में हम मेंस टेस्ट सीरीज और कंटेंट एनरिचमेंट क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। हम 25 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं मेंस के लिए, और ये हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, एज लो एज 2500 हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो टेस्ट है ये अपडेटेड है। एक बार हमने पहले भी जो पूरे साल टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी है, ये उससे डिफरेंट है। इन टेस्ट में जो भी रिसेंट अपडेटेड कॉन्टेंट है उसको हम ऐड करेंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आए, या फिर जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो आपके टेस्ट में, जो आपका एक्चुअल पेपर आएगा GS 1 2 3, या फिर आपके एसए में, या आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हेल्प करें। फ्रेंड्स, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लासेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, बेसिक रूल ऑफ थंब है, अगर सिलेबस खत्म हुआ हुआ है, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। जो लोग अभी ऐसे हैं कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं है, वो लोग क्लासेस के लिए आ सकते हैं। हम लोग डेली क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं, आंसर राइटिंग कराते हैं, इसके लिए आप आ सकते हैं। और जो लोग वेटरन है, पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, इंटरव्यू फेस किया है, मेंस दिया हुआ है, सिलेबस पूरा है, आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। देखो, रेगुलरिटी जरूरी है, कभी ना कभी तो मेंस देना ही है ना। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वाई टू स्टॉप, एक रीजन बना के रखो बस कि लगातार पढ़ना है। और जो ये टेस्ट होंगे, इसका अगर हम सिलेबस देखें तो देखिए, सिलेबस इसमें अवेलेबल रहेगा। आप अगर क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट सीरीज का पूरा सिलेबस, हमने जो डिविजन किया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ कि शुरू में क्या हम इस तरह से टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि जो मेजर सिलेबस आपने पहले पढ़ा होता है, जैसे पॉलिटी है, तो एक पॉलिटी का टेस्ट हो गया है ना, फिर उसे रिवाइज किया, फिर हिस्ट्री का टेस्ट, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिमाचल, जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, इनके हमने एक एक पेपर बनाया हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके ऊपर एक टेस्ट बनाएंगे। फर्दर जो जो मेनली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, है ना, जैसे साइंस, ये गवर्नेंस हो गया, स्पेस वाले एस्पेक्ट्स हो गए, फिर इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, इन सबको हम एक एक टेस्ट करके कंडक्ट करेंगे। तो एक बार सिलेबस पूरा करेंगे, फिर जैसे एक्चुअल पेपर होता है इस तरीके से, और ये शेड्यूल पे डिपेंड करता है, जैसे शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे इसको एक एक वीक में कंडक्ट कर सकते हैं, 3 टेस्ट, और आपके जैसे एक्चुअल में होता है ना, ऐसे हिंदी इंग्लिश और 3 टेस्ट, फिर फर्दर ऐसे हिंदी इंग्लिश और 3 टेस्ट, इसको हम कंडक्ट करेंगे। डेली क्लासेस हो रही है, टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के भी हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, आइए मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।